अचानक किराने वाली दुकान पे गया, वहां पे मैंने कुछ चीजें लेनी थी। जाके देखा तो छोटे बच्चे थे, मेरे पास मोबाइल नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, जिद कर रहे थे, 20 रुपये उनके पास थे, मक्के की बात थी, देखने वाला था माहौल, रो भी रहे थे और 20 रुपये भी थे कि हमें बोतल दे दो। बोतल तो अब आपको ड्रिंक कितने की आती है, 50 रुपये की आती है, ठीक है, अब वो 20 रुपये की बोतल मांग रहे हैं। तो एक रो रहा है, एक हंस रहा है, कहता है मुझे 20 की अंकल बोतल दे दो। दुकान वाला क्या, बेटा 20 की बोतल नहीं आती, 50 की आती है, पैसे और लेके आओ। नहीं अंकल हमारे पास यही, हमें बोतल दे दो। खैर उसने 10-10 वाली दो चीज़ें दी, कहा जाओ जाओ शाबाश, दो चुप करके चले गए। बात बड़ी मौके की थी। और सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक है, सब खैरियत है? जब तक वालदैन का साथ होना तो दुनिया में आप जहाँ भी हो आप तरक्की कर सकते हो। आपके वालदैन की दुआएं आपके साथ होनी चाहिए, वो हर वक्त होती है। बेटा चाहे कितना भी बुरा होना, माँ बाप उसे दुआई देता है, ठीक है, उसे सपोर्ट ही करता है। तो अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अगर मुल्क पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ठीक है, मेरे देखने वाले व्यूअर जो है, आज का ये मेरा पहला व्लॉग है, ठीक है, मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया तो मुझे इतनी बातें नहीं आती। व्लॉग आपको पता है, वहाँ पर कोई भी चबल मार दो ना आपकी, वो वायरल हो जाती है, ठीक है। मैं क्योंकि डिज़ाइनिंग के मतलब बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइन आपके लिए लेके आता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आपको कोई ना कोई नई नई चीज़ सिखाऊँ। लेकिन जो है ना, वो ऐसा ऐसा जो है ना, वो डर ख़त्म हो गया दिल से कि यार नहीं, ये बात ऐसे करनी है, इसको ऐसे करना है, इनको ऐसे समझाना है, वो ऐसा 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 इंशाल्लाह दूर होता जाएगा, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों का तावन चाहिए, फिर ही हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को सिखा सकेंगे कि किस तरह हम आपको डिज़ाइन बनाते हैं, किस तरह हम डिज़ाइन बनाया जाता है, कौन सा डिज़ाइन किस तरह करना है, चाइना को किस तरह करनी है, ओवला किस तरह करनी है। एक मशीन पे आप सारे काम कर सकते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बना के सिखाता जाऊँगा। आपने करना है, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी है, रिज़्क भी अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है, मेहनत आप लोगों ने करनी है। अब पहले तो मेरे बाबा नहीं मानते थे कि नहीं बेटा ये नहीं सही, तुम अपने काम पर ध्यान दो। अब जैसे मैंने घर में आपके लिए मशीन लगाई है, सेटअप लगाया, ठीक है, मेरे पास अभी भी सेटअप वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने काम चलाने के लिए कुछ थोड़ा सा सेटअप किया। रात को जब बच्चे सो जाते हैं ना, फिर मैं वो वीडियो बनाता हूँ, तकरीबन 10 से 11 बजे जाके मैं वो वीडियो शूट करता हूँ, फिर सुबह एडिटिंग करता हूँ, फिर आप अपलोड करता हूँ। इसके ऊपर टाइम बहुत लगता है, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं देते यार, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते। आप कर दिए करें यार, क्या होता है यार, कुछ होता है आपके वीडियो शेयर करने से, वीडियो लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए? आपको लोगों को दुआई देगा ना। वो बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनसे मैंने रबता करने की कोशिश की है कि यार ये इस तरह, वो पहले तो वो बात ही नहीं सुनते, कोई बंदा बात सुनता ही नहीं है, ठीक है। वो कहते ना, हम फलां यूट्यूबर्स बच्चा है, फलां नया नया यूट्यूब पर आया, उसको हम ऊपर लेके जाएँ। वो भाई अपने व्यूज़ बढ़ाने की खातर करते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं आपको सपोर्ट करेंगे, वो अपने व्यूज़ की खातर ऊपर जाते हैं, ठीक है। आज नए से नए ट्रिक लेके आ जाते हैं, यार ये ट्रिक यूज़ करो, ये वाला ऑनलाइन काम करो, ये वाला ऑनलाइन काम करो। कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, अपने पैसे बर्बाद कर चुके, अपना टाइम भी ज़ाया किया है, यार मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, ये बगैर इन्वेस्ट है, ये करूँगा वो करूँगा, बिल्कुल सब चीज़ें फेक है, किसी के पीछे ना लगे। जो रियल चीज़ है, जो सही चीज़ है, आप वो काम करें। ये जो काम है हम आपको सिखाते हैं, ये हुनर है। ये हमारी बाएँ जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, ये हुनर है, ये उनके लिए, वो घर में बैठे ही बासानी कर सकते हैं, ठीक है। घर में बैठ के वो पिको करें, ओवरलॉक करें, लेसें लगाएँ, डिज़ाइन बनाएँ, पैचेस लगाएँ, घर बैठ के वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जिसको पढ़ने ही नहीं आता, कुछ बोलने ही नहीं आता, वो क्या करेगा? कुछ हुनर तो होना चाहिए ना। आजकल हुनर की मांग है। किसी शहर में मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है,
ऐसे नहीं है पैसे हैं पर्स रास्ते में बस में पर्स चोरी हो गया, जेब काट दी, जेब कतरे ने, अक्सर ऐसा हो जाता है ना। तो वो आप ऐसा करें कि दुकान पे चले जाएं, भाई मैं काम करता हूँ, ये मेरा हुनर है, मेरा ऐसे ये मसला हुआ है, आप मुझे काम पे रख लें, एक दो दिन मैं आपके साथ काम करता हूँ, जो मेरे मुझे पैसे बने मुझे दे दें, मैं ताकत ले चला जाए, ठीक है, जो हिसाब से एक दिन रख लें, मुझे एक दिन काम करवा लें, काम करता हूँ। अगर तो आपको घर से कोई पैसे भेजने वाला है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप काम कर सकते हैं। ये वो उनके लिए मोटिवेशन है जो अकेले बंदे हैं यार, जिनका कोई नहीं है, वो किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, जेब कट गई है, चोर काट के ले गया, मोबाइल भी गया, पैसे भी गए, आपके पास हुनर तो है ना, वो थोड़ी आपसे कोई ले के जा सकता, हुनर तो आपके पास ही है ना। आप काम सीखें, काम करें, काम में बरकत है, मेहनत करें, माँ बाप की खिदमत करें, उनको सपोर्ट करें, ठीक है, वालदैन की खिदमत करें, उनकी दुआएं हैं ना, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं अगर आप उनको खुश रखते हैं। रब राज़ी, माँ बाप राज़ी है तो रब राज़ी है, अगर माँ बाप नाराज है ना तो रब भी नाराज है, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ वाली बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो और नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। ये मेरा आज का पहला व्लॉग था, कुछ लोग कहेंगे यार ये किस काम पे लग गए, लेकिन अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस मिला इस व्लॉग पे तो मैं और सारी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।